किंग्समैन 3। बेसिकली ये मूवी फर्स्ट किंग्समैन के बारे में है और कैसे किंग्समैन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई थी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू मूवीज़ और सीरीज़ के रिव्यू मिलते रहें। किंग्समैन 3 सिविल वॉर पर बेस्ड है। इनिशियली ये एक सिंगल मैन ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हर एक पॉलिटिशियन पर नज़र रखती है। फर्स्ट किंग्समैन का रोल कर रहे हैं रे फाइंस। आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मूवी का मोस्टली सीन सिविल वॉर को कवर करता है और यह भी दिखाता है कैसे पॉलिटिशियंस की गलत डिसीजन की वजह से सोल्जर्स को अपनी जान खोनी पड़ती है। हैरिस डिकिंसन कॉनरेड का रोल कर रहे हैं जो कि एक डेस्परेट यूथ होता है वॉर में जाने के लिए। हैरिस डिकिंसन ने अपने रोल को काफ़ी अच्छी तरह से निभाया है। मूवी में एक स्पेशल सीन है जो आपको भी पसंद आने वाला है इस मूवी को देखने के बाद, जिसमें डिकिंसन दूसरे सोल्जर को अपने कंधे पर उठाकर अपने बॉर्डर पे आते हैं। मूवी का मेन प्लॉट यह है कि कुछ विलन्स पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करते हैं ताकि इस वॉर को बढ़ा सकें, और दूसरी तरफ रे फाइंस अपना नेटवर्क भी बढ़ाते हैं और हर एक पॉलिटिशियन की एक्शन पर नज़र रखते हैं। मूवी काफ़ी अच्छी है, आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस मूवी की रेटिंग 7.5 होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किंग्समैन 3। बेसिकली ये मूवी फर्स्ट किंग्समैन के बारे में है और कैसे किंग्समैन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई थी।